दोस्तों, सभी राशन कार्ड धारकों को ईकेवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। अगर आप राशन कार्ड में अपना ईकेवाईसी नहीं करते हैं तो आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। हालांकि डेट जो है ईकेवाईसी का 30 जून तक कर दिया गया है बढ़ा के, तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी जाके आप अपना राशन कार्ड में अपना ईकेवाईसी करवा लीजिए, अन्यथा आपका जो है राशन कार्ड से आपका नाम हट जाएगा और आपको जो है राशन मिलने से जो है आप वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना राशन कार्ड का ईकेवाईसी कैसे कर सकते हैं। आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका राशन कार्ड में ईकेवाईसी करना है या नहीं करना है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपना राशन कार्ड अपने आधार कार्ड के मदद से चेक कर सकते हैं कि आपका ईकेवाईसी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, और करना होगा तो किस तरह से करना होगा, ऑनलाइन करना होगा या ऑफलाइन करना होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है मेरा राशन। अभी हमारे पास पहले से हमारे मोबाइल में इंस्टॉल है, सिंपली हम इसको अपडेट कर लेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप मेरा राशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, सिंपली इसको ओपन करना है। नेक्स्ट अलाउ करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा मेरा राशन कार्ड। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, पंजीकरण, लाभ की जानकारी, आपस की राशन की दुकान, इस तरह से जानकारी यहाँ पे इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आधार सीडिंग का। सिंपली आधार सीडिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक राशन कार्ड नंबर और दूसरा आधार संख्या। अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या भी आपको नहीं पता है तो सिंपली आप अपना यहाँ पे आधार संख्या पे क्लिक करके और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर एंटर कर दीजिए। जैसे आप अपना आधार नंबर एंटर करते हैं सिंपली सबमिट करेंगे, और जैसे ही सबमिट कर देते हैं यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड यानी कि आपके फैमिली में जितने सारे मेंबर आपके साथ आपके राशन कार्ड में लिंक होगा सारा यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका आधार सीडिंग जो है यस देखने को मिल रहा है। तो आधार सीडिंग आपका यस है, मतलब आपके राशन कार्ड से आपका आधार कार्ड लिंक है, लेकिन आपको करना होगा ईकेवाईसी। अगर आप ईकेवाईसी नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड में आपका नाम राशन कार्ड से हट जाएगा और फिर आप राशन लेने से वंचित रह जाएंगे। राशन कार्ड से अपना ईकेवाईसी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। चलिए, अब आपका ईकेवाईसी कैसे होगा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप दो तरीके से राशन कार्ड में ईकेवाईसी कर सकते हैं, एक ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन। तो अभी जो है अगर आप बिहार से हैं तो आपके बिहार स्टेट में अभी ऑनलाइन ईकेवाईसी करने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। आप ऑफलाइन ही यानी कि अपने राशन डीलर के यहाँ से जाके ईकेवाईसी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका राशन डीलर कहाँ पे है, अगर आप दूसरे जगह पे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी दूसरे राशन डीलर को भी खोज के आप वहाँ से ईकेवाईसी कर सकते थे। यहाँ पर देख सकते हैं आसपास की राशन की दुकान, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे ऐसे दुकान से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि राशन डीलर है, और ये जो है यहाँ से आपका ईकेवाईसी कर पाएंगे। तो आप जो यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड में ईकेवाईसी करने का डेट तो 30 जून तक कर दिया है, लेकिन आपको जल्द से जल्द अपना यह प्रक्रिया कम्प्लीट कर लेना है। अगर आप इस ईकेवाईसी को नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड से आपका नाम हट जाएगा और आप जो है राशन लेने से वंचित रह जाएंगे। तो जाके जल्द ही आप अपना राशन कार्ड में ईकेवाईसी करवाएं, 30 जून तक आखिरी डेट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।